लाइट यहाँ से टकरा करके वापस ले जा रहा हूँ, वहां पे लाइट बनी नहीं, वहां पे तो लाइट पहुंच ही नहीं पा रहे। लाइट पढ़ रहे हो ना आप लोग, लाइट प्रकाश पढ़ रहे हो, अरे प्रकाश की कहानी है। बीच में अभी कुछ नंबर है तो बच्चों का कमेंट आ रहे थे कि पैसे पालने वाला था कि 5 बजे आया तो तुम्हें चलता, और वो बच्चे ने कहा था कि मैं तो भाग भाग के आया। ठीक है, पोर्शन कम्प्लीट हो जाते हैं ना, आप लोग अपने बैठ के पढ़ाई करिए ना, स्कूल में या बाकी अदर प्लेस में भी जाओगे आप लोग, जिस लेक्चर नहीं रहते उस समय बच्चे लेट जाएंगे या फिर जाएंगे ही नहीं। तो फिर मैंने भी सोचा कि बच्चे रात पढ़ लिख करके भी थोड़ा सा पागल वाला बात कर रहे हैं, अच्छे जो वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा मैं कि वीडियोस में भी जाएंगे, वरना तो आप लोग अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ कर रहे पढ़ लिख रहे हो आप लोग, ये सब बातें तो आपको जीवन में आने ही नहीं चाहिए। तो फिर सोचा चल ठीक है, मैं भी बच्चों को एक चैलेंज कर देता हूँ, तुम्हारा जो भी पढ़ाऊंगा आज चैप्टर पूरे 1 घंटे में खत्म कर दूंगा मैं, है ना। एटलीस्ट आप लोग मेरे पे, मेरे साथ पढ़ते हो, मेरे पे इतना ट्रस्ट रखो कि भैया कुछ कर दे, तो सोच के कुछ कर रहे हैं, और आप लोगों का सपोर्ट हो तो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं करता भी नहीं। आप लोगों का सपोर्ट हो तो ही मैं कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं कर पाता। और आप जो पढ़े लिखे कर रहे हैं ये सब जो बातें आप लोगों की जीवन पे नहीं आनी चाहिए, सीरियसली बोलो। तो देखिए अभी बुक में और क्या बचा है आपके, और एक और चीज़ बता देता हूँ आपके बुक में है कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता। चलो ठीक है, चलो ठीक है, अब एक हुआ हमारा प्लेन सर्फिंग, क्या हुआ ये प्लेन सर्फिंग। आप लोग एकदम मस्त एकदम इजी लैंग्वेज में बोलता हूँ, क्योंकि ध्यान कभी भी बच्चे का अगर आप लोग भी कभी किसी को पढ़ाना है, किसी को कुछ बताना है, तो ध्यान रखना कि ज्यादा से ज्यादा इतना सिंपल लैंग्वेज का यूज करना, बच्चे आसानी समझ जाए सब कुछ। मैं पूरा इंग्लिश से इंग्लिश बताऊँ या पूरा हिंदी से हिंदी बताऊँ ना तो भी किसी को समझेगा नहीं, कि हिंदी भी आसान भाषा नहीं होता है, और टोटल इंग्लिश से इंग्लिश भी सबको समझ नहीं पाएगा, आप इंग्लिश मीडियम को पूरा समझ नहीं पाएगा और ना ही हिंदी मीडियम समझ, तो हिंदी इंग्लिश दोनों भी यूज करके बार समझेगा। आप लोग बॉल खेलते हो ऐसे, देखो बॉल लो ऐसा ऊपर नीचे खेलो, राइट खेलते हो, यहाँ पे प्लेन देता है, वहाँ पे बॉल ऐसा पटकोगे ओपन रहेगा, पटको वापस, वहाँ पटको वापस, ऐसे ऐसा देखो ऐसे ऐसे मारते रहो, बॉल बराबर ऊपर आता है, बॉल यहाँ वहाँ नहीं भागता है, वही ना आप लोग ना ऊपर खाकर जमीन ले लो, कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे कहीं पे ये कहीं पे वो कहीं पे वो, तो बॉल ऐसे मारोगे ना सीख रहे हो, यहाँ पे भागेगा बॉल वहाँ पे, यहाँ पे क्योंकि बॉल जाएगा वहां पे, है ना। अभी आप लोग जिस मैदान में खेलने जाते हो, हम लोग जिस मैदान में खेलने जाते हैं, हमारा तो इंटरनेशनल मैदान तो रहेगा नहीं, तो बॉल गिरेगा हम लोग बस 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 टप्पा गिरेगा, बॉल तो बच्चे लोग कैच पकड़ने से डरते हो, तो ठीक है टप्पा आएगा पकड़ के बॉल फेंक के दे दूंगा भाई वहां पे आउट करा देंगे, बॉल तो ठीक है टप्पा गिरेगा यहाँ पे और बॉल जाएगा कहीं और, गिरेगा यहाँ पे जाएगा कहीं और, क्यों मालूम है क्या। और वही जब इंटरनेशनल मैच होता है जहाँ पे आप टीवी में देखते हो विराट कोहली धोनी खेलते हैं मैच, वहां पे जमीन में कहीं भी एक भी ऊपर खबर दिखाई नहीं देगा, खुला सा मिलेगा ना तो मिट्टी भरेंगे और उस पर रोड रोलर में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पार देते हैं, सब कुछ क्लियर कर देते हैं, है ना। हमारे मैदान में कोई आता है क्या, हमें तो वैसे मार के भगा दिया जाता है, कोई इज्जत नहीं रहती हमारी, क्योंकि अगर वहां पे बॉल कहीं भी गिरे तो परफेक्ट बॉल जाता है, आर दे रहा है यहाँ वहां नहीं भागता है, यहाँ तो हमारी जो पिच रहती है पिच जिसमें बॉल हम लोग बॉलिंग करते हैं, कभी पिच भी इतने ऊपर खबर रहेगी ना कि बॉल फेंकेंगे, हम लोग बॉलर सोचेगा बॉल फेंके यहाँ पे और बैट्समैन सोचेगा बॉल यहाँ पे गिरा आएगा बैट से मारूंगा, पर बॉल कभी कभी करना नहीं क्या बैट्समैन के हाथ से नहीं आता, बॉल जाएगा कभी कभी एकदम स्लिप में चला जाएगा, कभी कभी आर चला जाएगा, बैट्समैन भी कंफ्यूज बॉलर भी कंफ्यूज और सिस्टम उड़ जाएगा, बॉलर सिस्टम उड़ा दिया, बॉलर सिस्टम उड़ गया, मेरा तो नाम हो गया, पर वो बॉलर को बता रहे यार उसने तो स्टंप उड़ाया नहीं था, बॉल तो जल्दी से लग के कहीं और चली गई, और कभी कभी वो बॉलर रोता है कब रोता है मतलब बॉल फेंकेगा और टकर करके बॉल उबाया चले जाएगा या तो फिर ज्यादा उछाल हो जाएगा नो चले जाएगा, तो वो बोलेगा यार गलती मेरी नहीं, वो उस पर लगा बॉल यहाँ चले गया वहां चले गया, तो बैट्समैन बोलेगा जब मुझे आउट किया था तब तो नहीं बोला था ये चीजें, अब बोल रहा है। तो ये कहानी जो थी इसको मैं इसलिए बताया ना कि जो प्लेन सरफेस लाइट कभी भी अगर प्लेन सरफेस पे जाएगा आप लोगों का बस एक रहता है प्रोटेक्टर चांदा, चांदे में 90 डिग्री ऐसा रहता है, देखो ऐसा रहता है, मेरे पास यहाँ पे बोर्ड नहीं है इस रूम में, जिस रूम में बोर्ड है ऊपर भी बोर्ड है वहाँ भी बोर्ड लगा रखा, मुझे अभी से नेक्स्ट टाइम से मैं अपने क्लास में बोर्ड रखूंगा, एफ सी में ज्यादा आप लोगों को थ्योरी पढ़ाता हूँ इसलिए मैं बोर्ड कम रखता हूँ, और तो आप लोगों को बताता हूँ मैं अच्छे से
क्या होता है मालूम है क्या, आप लोगों के पास कंडक्टर है ना चांदा, चांदा के बीच में 90 डिग्री रहता है, फिर यहाँ से सबसे लेकर जीरो तक रहता है, यहाँ पे सबसे लेकर के नीचे जीरो तक रहता है। क्या होता है अगर अगर सरफेस अगर एकदम प्लेन है, जो भी जो दीवार अगर एकदम प्लेन रहेगा ना, अगर यहाँ से 60 डिग्री से अगर लाइट आया है, रिफ्लेक्टेड सॉरी इंसिडेंट रे अगर यहाँ से 60 डिग्री पे आया है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री से निकलेगा, मतलब रिफ्लेक्ट भी 60 डिग्री से होगा। यहाँ से अगर 60 डिग्री से लाइट आया है, यहाँ से 60 डिग्री लाइट आया, लाइट टकरा करके भी 60 डिग्री से ही जाएगा, 50 डिग्री से आया है तो 50 डिग्री से टकरा कर जाए। हमें ये पता होता है कि जहाँ से भेजेगा तो ये परफेक्ट वहाँ से निकलेगा, और अगर 90 डिग्री से, ध्यान रखना कोई भी लाइट अगर 90 डिग्री से आया तो जाएगा भी 90 डिग्री पर ही जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री ना एक ही होता है, वो एकदम स्ट्रेट ऐसा होता है, मैं तो देखा रहेगा आप लोगों ने, यहाँ से आया तो वहीं से जाएगा। तो जो आता है वो इंसिडेंट रे होता है, जो जाता है वो रिफ्लेक्टेड रे होता है, हिंदी में जो आता है वो आपतित किरण होता है, जो जाता है वो परावर्तित किरण होती है, समझे? और भी ध्यान रखना, और जो सरफेस प्लेन नहीं हो, जो ऊपर खावट रहता है, जो मैंने बहुत आप लोगों को कहानी बताया, पट को यहाँ पर जाता कहीं और है, वैसे लाइट का भी होता है, अगर वो सरफेस ऊपर खावट है ना, आएगा 45 डिग्री से जाएगा, 35 डिग्री से जाएगा, या 60 डिग्री से निकल जाएगा, या 50 डिग्री से निकल जाएगा, आया 45 डिग्री से, आया कितने से, 45 डिग्री से आया ना, 45 डिग्री से यहाँ से आया हुआ है, पर यहाँ तो ऊपर खावट है बच्चा, तो लाइट जाएगा कहीं और दिशा से, किसी और दिशा से चले जाएगा, समझे? क्योंकि उनका तो अभी आया कहीं और, ऐसा ऐसा रहता ना, ऐसा ऐसा टकराएगा किधर और जाएगा कहीं और, क्योंकि वहां पे सरफेस प्लेन नहीं है, जहां पे प्लेन सरफेस, जहां पे समतल है। देखो आप लोग बताए, हमारा जो मिरर में जो इमेज बनता है, हमारी मिरर दो प्रकार के होती है, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। हिंदी मीडियम सुनो, एक होता है हमारा समतल दर्पण होता है और एक गोलिया दर्पण होता है, समतल दर्पण और गोलिया दर्पण, समतल दर्पण अरे जोर से बोलो, गोलिया दर्पण, बस भाई बस, अरे मैं भी दर्पण ही हूँ, मेरा भी नाम दर्पण ही है, नहीं भाई आपका मेरा नाम दर्पण है, अक्षय बताए, अक्षय मेरा पेट नेम है, और जो मेरा रियल नेम है वो दर्पण, लिखो यही होता है। आप लोग बताओ, मैं जो हिंदी मीडियम होते हैं ना, उन लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, क्यों मालूम है क्या? देखो उतना ही मैंने हिंदी मीडियम वाला बच्चा करता है, मजा नहीं बना रहा, आप लोग अच्छा बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी मेहनत उतना ही करेगा, है ना, और इंग्लिश मीडियम वाले करते, पर हिंदी मीडियम वाले एक ही इसको अलग अलग नाम देख करके रखते हैं, और इंग्लिश मीडियम एक ही नाम समझ आता है, तो आप लोग प्लेन मिरर सिर्फ वही यूज होता है जहाँ पे, जैसे हमारे घर के अंदर जो मिरर रहता है ना, हमारे घर के अंदर जो मिरर जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, उसी को हमें प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण कहते हैं, क्या बोलते हैं हम, समतल दर्पण, और गोलिया दर्पण ना स्फेरिकल मिरर का दो टाइप टू नेम्स होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, वेरी गुड। अब हिंदी में गोलिया दर्पण का दो पार्ट होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, वेरी गुड। गोलिया दर्पण का दो भाग होता है, जो प्लेन मिरर को हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण, और जो प्लेन मिरर है ना, उनका यूसेज एक ही जगह होता है, घर में हमें जिस मिरर के अंदर अपना इमेज देखते हैं ना, जिस मिरर के अंदर हमारा हमें अपना फेस दिखाई देता है, उसी मिरर को बोलते हैं प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। और बाकी आप लोग गाड़ी में लिखे रहोगे, बसेस, कार्स, बाइक्स, ट्रेन, कहीं पे भी जो इमेज, कहीं पे जो देखो अभी आपको देखते हो बहुत सारे ये हमारे स्पेक्स होते हैं, चश्मा जो रहता है, वहाँ सब जो कांच लगा रहता है ना,
वो स्पेरिकल मिरर का पार्ट है। किसका पार्ट होता है? वो स्पेरिकल मिरर का पार्ट होता है, समझे? अभी गाड़ी में कांच लगा, जो साइड में कांच लगा रहे सब देखते गाड़ी पीछे से आ रही कि नहीं आ रही, जो भी सब कुछ, वहां पर भी स्पेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है, समझे? हर जगह पर दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप, हेरिस्कोप, जितने भी प्रकार के दूरबीन होते हैं हमारे पास, अलग अलग प्रकार के दूरबीन है, समझे? वो सारे जगह पर स्पेरिकल मिरर का ही पार्ट लगा रहे, या तो उसमें रहेगा हमारा कॉन्केव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर, समझ में आई बात? कॉन्केव मिरर होगा या फिर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, CONCAVE, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर को हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण, क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। कॉन्केव मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरी गुड। कन्वेक्स मिरर को हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण, क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? CONVEX, कॉन्वेक्स। उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, समझ में आई बात? आपके जो दूरबीन में कौन सा मिरर यूज होता है? दूरबीन में होता है कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग। कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग। और आप लोग वो मैग्नीफाइंग ग्लास देखे, मैग्नीफाइंग ग्लास बने थे, कुछ तो गड़बड़ है, क्या कुछ तो गड़बड़ है? ये इमरान का मुझे ग्रह ज्यादा कुछ सही नहीं लगता, ये मार खाने वाला है, सही है ना? और सागर का ऐसा लग रहा है देख करके कि अब इनका मन पढ़ाई में नींद में लग रहा है, इतना अच्छे से पढ़ा रहा है, उसके बाद भी अगर आपको अगर सही मान गए तो लगता है आपके लिए लोरी करना पड़ेगा। तो हमारे जो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, ये इसमें भी ना स्पेरिकल मिरर, कौन सा मिरर होता है? ये कौन सा मिरर होता है? वो आप आपको पता है कॉन्क्यूब मिरर कहाँ यूज होता है, अवतल दर्पण कहाँ यूज होता है? हमारे स्पेक्स होता है, स्पेक्स चश्मे होते हैं, उस चश्मे के अंदर रहता है हमारा कॉन्क्यूब मिरर, कौन सा मिरर रहता है? वो कहाँ पे कौन सा रहता है? वो कॉन्क्यूब यानी अवतल दर्पण। फिर मैं आप लोग सेप बता देता हूँ, मैं सेप सेप यानी कि आप लोग बच्चा ढक्कन दे, ढक्कन दे, ढक्कन दे, ढक्कन दे, जल्दी जल्दी बहुत है, जब दिखाया आप बच्चे, आप लोग ये आप लोग कभी कटोरे ले लो या बॉल है, तो बॉल तो बॉल जब आधा फर जाता है तो इतना वैसा अंदर ऐसा हो जाता है, ऐसा अंदर हो जाता है, इतना वैसा बाहर उठा रहता है, इतना वैसा अंदर की तरफ है, ये देखिए इतना वैसा अंदर है, राइट? ये पकड़ इसमें जाके दिखाई नहीं देगा, ये देखिए यहाँ पे इतना वैसा अंदर की ऐसा अंदर है, अंदर की तरफ ऐसा है, इतना वैसा बाहर की तरफ उठा हुआ है, ये अंदर की ओर गया हुआ है, ये कैसा बाहर की तरफ गया हुआ है, राइट? तो ध्यान रखना जो गोलिया दर्पण रहता है यानी कि जो स्पेरिकल मिरर होता है ना, जिसके अब उसको अगर उसको ऐसा हाफ कट कट करो, कोई भी जैसे मान लो एक गोला बॉल है, राइट? उसका आधा कट कर दो, आधा कट करोगे तो आपको या तो ऐसे एक तरह से अंदर की ओर दिखाई देगा, एक तरह से बाहर की ओर दिखाई देगा, है ना? तो कोई भी आप ऐसे चश्मा जो लगाते रहेगा ना, जब इंसान यहाँ पे कोई चश्मा लगाया क्या? नहीं लगाया। अच्छा हमारे बच्चे स्ट्रांग है, किसी को चश्मे की जरूरत यहाँ पे नहीं है, मेरे जैसे मेरे बच्चे भी स्ट्रांग है, वेरी गुड। तो क्या समझ रहे हैं क्या? अभी अगर आप चश्मा देखोगे ना तो ऐसा अंदर एक तरफ ऐसा रहता है, अंदर एक तरफ, तो वो क्या रहता है हमारा कॉन्केव मिरर, क्या होता है? क्योंकि हम लोग जिस तरह से देखते हैं ना उस तरह रहता है अंदर की ओर रहता है। आप लोग देख लो ना मैग्नीफाइंग ग्लास या दूरबीन, उनका जो मिरर रहता है लेंस वैसा ऐसा उठा रहता है, ऐसा वो देखो आप लोग ना सुनिए, ऐसा कोई मिरर लो कि जिसमें दोनों भी तरफ ऐसा उधर से भी अंदर घुसा हो और इधर से भी इस तरीके से अंदर, देखो अंदर की ओर दोनों भी तरफ अंदर की ओर है, तो उनको बोलेंगे बाय कॉन्केव, क्या बोलेंगे? बाय कॉन्केव, दुई अवतल बोलेंगे, दुई अवतल दर्पण, बाय कॉन्वेक्स मिरर, फिर कॉन्केव, बाय कॉन्केव मिरर। और कोई इमेज ऐसा, कोई मिरर ऐसा देखो कि जिसमें दोनों भी तरफ ऐसा पीछे की आगे और ऐसा उठा हुआ हो,
उसको बोलेंगे बाय कन्वेक्स मिरर, क्या बोलेंगे बाय कन्वेक्स मिरर, और हिंदी में बोलेंगे दूर उत्तल दर्पण, क्या बोलते हैं दूर उत्तल दर्पण, हिंदी में सॉरी मस्त सॉरी मस्त बच्चा यार, आप लोगों मतलब इतने बड़े हो गए हो, इतने बच गए हो, इतने छोटे तो होने की अब सुबह से वो मतलब कि सुबह से भी उठा दिया आपको जाने जा रहे हैं और अब तो सुबह भी नहीं शाम को 6 बजने आए हैं, अब आगे आपके भविष्य का कुछ पता है, अच्छा आगे क्या बनना है आपको, सिर्फ प्रॉपर आगे बनना क्या जरा ये बताओ कुछ पता है, अच्छा कोई सोचा नहीं कि अब क्या बनना है आगे, घर में 14% करना है सिर्फ, बस इतना ही पढ़ लिख के क्यों रहे, ध्यान रखना किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को ना लाइफ में तभी सक्सेस मिलेगा ना जब वो अपने काम पे पूरा फोकस करे, अभी अपने काम में पढ़ाई करना, लेक्चर अटेंड करना और खुद पढ़ना, अब लेक्चर में सो रहे हैं इनको क्या समझेगा, सब बच्चे इतने एक्टिव दिखाई दे रहे हैं तो कचरे ले ऐसा समझ ना थी ऐसा मैंने मजे में देखा आग में कचरे तो लोग ऐसा 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 करते हैं, मेरे आग में गया कुछ और लड़के लोग एक्टिंग करेंगे कुछ है ना, और फिर लड़के देखेंगे अरे कहाँ गया, लड़के सोचे इसलिए मौके पर चौका मार लेते हैं, उसका हेल्प कर देंगे, लेकिन याद है ऐसा सब सीख लो यहाँ पे सब बच्चे चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं और आप ऐसे तो कर रहे हो तो गद्दा प्रसाद जिसन, मैंने आप लोगों के बुक में जितना नहीं उससे ज्यादा मुझे पढ़ाया है, कभी से क्या पढ़ा अभी आपने बुक छान मारी है तो कुछ मिलता है इसके अंदर, आप लोगों को मैंने ना सुनिए मेरी बात, आप अभी अभी आप लोग 8 में हो, मैंने आपको 10 के लेवल के मैंने पढ़ाया, किस लेवल का मैंने पढ़ाया है, 11 12 के लेवल में जाओगे अभी, और एक और चीज जो अभी आप लोग बुक में नहीं है आगे 9th में बुक में आएगा आप लोगों को, जो प्ले मेरे का कहानी बस वही खत्म हो जाती है जहाँ पे इसमें हमें हमारा फेस दिखा देता है, जो रियल चीज स्टोरी है ना आप बोले भैया जी मिरर 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 क्या पढ़ा रहे हो, तो लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, मिरर में से होता है रिफ्लेक्ट ना, क्या जिसमें रिफ्लेक्ट होता है दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ध्यान रखना लाइट रिफ्लेक्ट वहीं से होता है जहाँ पे कोई भी जो ब्राइटनेस प्लेस है ना, ब्राइटनेस चमकदार प्लेस हो, पानी में हमें हमारा शक्ल दिखाई देता है, क्यों क्योंकि वो एकदम क्लीन एकदम ब्राइटनेस रहता है, हाँ कोई मेटल ले दो जैसे ये मेटल हो गया वो मेरा वॉशिंग मशीन वहाँ पे मेटल रहेगा देखो उस पर मेटल है राइट मेटल, तो मेटल में चमकने दिखाई देता है, ये दिखाई दिखाई दे रहा है देखो जहाँ से देखो इसमें ना बहुत सारी चीज आपको रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा, इसमें दिखाई दे रहा है क्या, नहीं क्योंकि ये ब्राइटनेस नहीं है ना, ये ब्राइटनेस है इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए आप मिरर मिरर बता रहा हूँ कि कहीं पे भी अगर आपको रिफ्लेक्ट और ब्राइट की बात होगी ना, प्रकाश और परिवर्तन की बात होगी ना, तो आप लोगों को हमेशा मिरर की बात होगी क्योंकि मिरर से तुम्हें रिफ्लेक्ट होता है लाइट, क्या जमीन हमें दिखाई देता है भैया ऐसे है क्या, लड़की लड़के को ऐसे दिखाएगी पत्थर से, इसलिए लड़का हो गया भाव लगता है पत्थर से मारने वाली है, लड़की विचार प्यार करने की लड़का उसको मैंने बोला और पत्थर मारने धमकी दे रही, अब लड़की पढ़ी लिखी है नहीं बेचारी वो क्या करेगी मतलब वो उसको लगे कि जैसे ना कार में से उसके बाद उसके भाई ने बताया रहेगा कि आपका मतलब कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है ऐसा तो दिखाई देगा, लड़की सोची की कार क्या चलती है कार से घर से कौन लेके गया रास्ते में तो उसको पत्थर से दिखाओ ऐसा पत्थर से उसके फेस पे लाइट मारो, वो भी चलते जा रहे मैं भी चल के जा रही हूँ वहां पर उसके फेस पे लाइट मारेगी और लड़की इसको मतलब घोड़ा करके पत्थर से मारने लड़की दे दी मुझे, भाग जाएगा लड़के तो पहले भाग जाएगा 11 नंबर की बस पकड़ेगा और भाग जाएगा ऐसे करके वो है ना, छोटा सा कोई बात नहीं, और गोलिया दर्पण देखो स्पेरिकल मिरर बच्चों, स्पेरिकल मिरर जो है ना स्पेरिकल मिरर का अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, क्या बताइए बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे पार्ट्स यानी कि उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रीजन ऑफ कर्वेचर होता है, प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस, ये बहुत सारे पार्ट्स बहुत सारे नेम्स होते हैं जो भी आप लोगों को नहीं है, आप लोगों से मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा भी बताऊंगा कभी आप लोग जब से फ्री रहोगे, मैं भी फ्री रहूंगा तो आप लोगों को अलग से पूरा बताऊंगा अच्छे से, वैसे आगे आप लोग नाइट में आने वाले हो अभी तो मस्ती में लोग ही मिलेंगे है ना, फिर हम लोग अच्छे से खातिर कर लेंगे, अच्छा तो किसी को समझा आज जिसको मैंने आज जितना मैंने बताया सबको किसको समझा कि समझा आप लोगों जितना मैंने बताया 100% में से कितना परसेंट समझा चलो बताओ तो बिंदास बताओ यार भैया 75% भैया 90% वेरी गुड, ये कुछ है नहीं तुम्हारे बुक में तो यार मुझे 50%
कुछ भी नहीं समझा आप लोग।